मैं तो शैलजा जी से राय देता हूँ एक आपके माध्यम से कि आप अपमानित मत हो, इस कांग्रेस को छोड़ दें और जहाँ आपको कोई सम्मान मिले उनके साथ आकर के खड़े जाओ। शैलजा का अपना घर है, वो इस घर में कभी भी आए उसके लिए कोई ना थोड़ी है। भाजपा नेताओं के बाद अब अभय सिंह चौटाला ने भी कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा के लिए इनेलो के दरवाजे खोल दिए हैं। टिकट वितरण में अनदेखी और हुड्डा समर्थकों द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी के बाद नाराज हुई शैलजा को अभय ने इनेलो ज्वाइन करने की ऑफर भी दिए हैं और साथ ही कांग्रेस को छोड़ने की नसीहत भी दी है। अभय चौटाला बीती देर शाम फतेहाबाद में जनसंपर्क करते हुए एक जनसभा में पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस में महिलाओं का अपमान होता है, वहीं भाजपा की महिला नेत्रियां किसान वर्ग को अपमानित करती हैं। अभय ने कहा कि चौधरी देवीलाल और शैलजा के पिता चौधरी दलबीर सिंह के बीच गहरा रिश्ता रहा है। इनेलो शैलजा का अपना घर है, अगर वो आना चाहे तो हम स्वागत करेंगे। भाजपा में तो कांग्रेस में तो महिलाओं का अपमान है और भाजपा की जो महिला नेत्रियां हैं वो हर वक्त किसान कम्युनिटी को अपमानित करने का काम करती है। ये जो बीजेपी के नेता चुनाव लड़ रहे हैं, कोई डिप्टी सीएम की बात कर रहा है, कोई मिनिस्टर बना दूंगा, मिनिस्टर बन जाऊंगा, मुझे वोट दे दो, इनकी बात कर रहा है, ये तो सत्ता से बाहर हो गए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दलित का बेटा मैं बनाऊंगा, ठीक है ना, एक दलित बनाऊंगा और एक बैकवर्ड क्लास से बनाऊंगा, ये हमारा फैसला है। 25 तारीख को मायावती ने इस बात का ऐलान भी किया था, आपने सुना होगा। शैलजा भी आज क्या हम जो वायदा करते हैं उसको पूरा करते हैं, हम कच्चा वायदा नहीं करते। कुमारी शैलजा भी आज कहेगी है बलवान सिंह को आप एमएलए बना दो, बाकी हम मंत्री बनाने का काम करेंगे, चौधरी हम बना देंगे। शैलजा जी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत अपमानित किया है, उसके नजदीक की जो लोग हैं उन्होंने उनके बारे में पता नहीं किस किस तरह की टिप्पणी करी है। मैं तो शैलजा जी से राय देता हूँ एक आपके माध्यम से कि आप अपमानित मत हो, इस कांग्रेस को छोड़ दें और जहां आपको कहीं सम्मान मिले उनके साथ आकर के खड़े जाओ। चौधरी दलबीर सिंह की बेटी है, मामूली घर की नहीं है। तो इनेलो में इनवाइट नहीं करोगे आप शैलजा को? इनेलो में इनवाइट नहीं करोगे? किस चीज के लिए भी इनेलो में आ जाए? हमारे चौधरी दलबीर सिंह के साथ बहुत पुराने बहुत अच्छे संबंध रहे, राजनीतिक तौर पर अलग अलग जरूर रहे, लेकिन चौधरी देवीलाल और चौधरी दलबीर सिंह मैंने बहुत दफ़ा उनको लंच डिनर और ब्रेकफास्ट साथ करते देखा। शैलजा का अपना घर है, वो इस घर में कभी भी आए उसके लिए कोई ना थोड़ी है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विरोधी दल कुमारी शैलजा की नाराजगी का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं और इसे दलितों के अपमान से जोड़कर कांग्रेस को लगातार घेर रहे हैं। हालांकि अभी तक तो भाजपा की ओर से कुमारी शैलजा को पार्टी में शामिल होने के लिए ऑफर दिए जा रहे थे, लेकिन अब तो इनेलो ने भी कुमारी शैलजा के लिए पार्टी के दरवाजे खोल दिए हैं। बता दें कि कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर कुमारी शैलजा ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। उनका कहना है कि हमारी रगों में कांग्रेस का खून है और मैं दुनिया छोड़ने के बाद भी कांग्रेस के तिरंगे झंडे में ही लिपट कर जाऊंगी। फतेहाबाद से रमेश भट्ट की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।